कौन एंड में आया? अभी दिला मेरे को। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइस, आज है हल्दी अमन की, तो हम लोग उसके फंक्शन के लिए जा रहे हैं। चलो हम लोग जा रहे हैं अलग से, और भाई लोग अलग से आएंगे, तो चलो चलते हैं। हमारी ओला नीचे वेट कर रही है। चलो, और मुस्तजाब एज यूजुअल आज भी परेशान करने वाला है। क्या हुआ? मैं क्या पहनूं? मैं मेरी चप्पल पहनी, तो तेरी चप्पल पहन। अच्छी तेरी है, सेम लग रही है ना? देखे ऐसी करती है। मैं मेरी पहनी फिर भी मेरे को बोल रही हो मैडम। हम लोग की ना सेम सैंडल है ना, इस वजह से। अरे तो वो वाली पहन ना, वो वाली पहन लेती ना। हाँ तो तेरी फिर तकलीफ होगी पैर में। अभी हम मुमरा में हैं, सिर्फ अड्डा पे, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। हम लोग कभी से ट्रैफिक में फंसे हैं, और हम लोग कार में नहीं है। ऑटो वाले भैया तो इधर उधर कहीं से भी निकाल ले रहे हैं, भाई नहीं निकाल पाता। भाई लोग और फंस जाने वाले हैं। देखो भाई लोग भी निकल गए भैया। हम लोग आधे रास्ते पहुँचे हैं, अब वो लोग कब तक आएंगे पता नहीं है, देखते हैं। सो गाइस, हम लोग को अभी हॉल मिल नहीं रहा है। इधर उधर भाई को फोन कर रहे, इसको फोन कर रहे, हॉल पे का लोकेशन बताओ, लोकेशन बताओ। तो चलो अभी देखते हैं, बता तो दिए हैं। अभी हम लोग आधा पहुंचे हैं, अभी थोड़ा 10-15 मिनट और लगेगा। जब तक ये देखो मुस्तजाब कैसा सो रहा है दापी की गोद में। मम्मी बैठे, मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, थक गए ना मम्मी बैठे बैठे। हाँ गाइस, हम लोग को बहुत टाइम हो गया है। एक तो ट्रैफिक, ऊपर से मिल नहीं रहा है, ऊपर से भूख लगी है। हुदापी क्या बोल रही है? बहुत जोर से भूख लगी है। अभी से ही भूख लग गई। ऑटो वाले अंकल बोलते हॉल में कोई आया नहीं और भूख लग गई। तो चलो फटाफट से हम लोग पहुँचते और फिर मिलते। हम लोग पहुँच गए, और ये देखो अक्षत और समद भी यहाँ पे आ चुके हैं, और मुस्तजाब यहाँ पे परेशान कर रहा है। फाइनली हम लोग इधर उधर ढूंढ ढूंढ के हॉल पहुँच गए हैं। अब हम जा रहे हैं हॉल के अंदर। झूठा है, इसने लोकेशन हम लोग को दिया ही नहीं है, भाई ने और अबेद मामू ने बताया, तो हम लोग यहाँ तक के पहुँचे हैं। तो चलो अभी जाते हैं हम अंदर हॉल में। सो गाइज, अभी हॉल जस्ट देख रही हूँ, और गाइज पूरी विलेज वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। देखिए, देखो मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमारा हॉल। सो गाइज ये देखो, ये सो गाइज फाइनली हम लोग हॉल में आ गए हैं, और फिर उसके बाद में इतना अच्छा लग रहा था ये हॉल कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। देखो मुमानी आ गए हैं, ले मामू भी और यहाँ पे सब लोग बैठे। अक्षत क्या हुआ? इतना डांस का साउंड सेव करी? नहीं, लेकिन मेरे को तो करना पड़ेगा ना। आई ये क्या बात हुई? ये तेरे को टॉन था, समझे नहीं? रहने, मैं नहीं समझी। ये देखो सब, मुमानी, वालेकुम अस्सलाम, सना खान की एंट्री हो गई, ले ये मेरे मामू आ गए, ये हुदापी अभी सबसे मिल रही है। ये देखो एक काय का इनविटेशन चाहिए रे तेरे को? अरे बहुत मारूंगी। देखो ये है मेरी छोटी बहन गाइस, ये हाँ हाँ देखे थे ना, ये हमारी पूरी गैंग बैठी है। इस यहाँ पे मेरी मम्मी और मुमानी अकेले अकेले बैठे हैं, तो मैं आ गई, मैं बोली चलो मैं आप लोगों के साथ में बैठ जाती हूँ थोड़ा। हाँ मुमानी क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और कैसे? तो मेरी मम्मी को गोली मोलो एकदम, वो डोरेमोन मेरा, मम्मा मम्मी डोरेमोन है मेरा, है ना मम्मी? मेरी मम्मी भी मानते हैं, हाँ मैं डोरेमोन हूँ। और क्या हाल चाल? और सब अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी सब शुरू? तैयारी तो स्टार्ट है मुमानी। अभी यहाँ पे हम लोग खा रहे थे, तो लोग सब लोग आ गए खाने के लिए। ये देखो सब ना रहे, माँ पूरी प्लेट खाली कर दी, दापी का मुंह देखो, ये निशान एंड में आया। अभी दिला मेरे को। और दो प्लेट दो। मक्खी फंस गई है यहाँ पे, अल्लाह अल्लाह, पूरी मक्खी वाला खाएंगे अभी अपन। अरे सब चलता है तेरे को? चलता है, ये देखो बोलती सब चलता है, और ये भी। गाइस आरती दीदी और अरसलन भाई भी आए, कैसे वो लगा ना? सेट हुए क्या? नहीं अच्छे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। लग रही है मेरे को वो
बोल रहे हैं अमन भाई, मैं पहले से करवाट उसको कड़वा ही लगेगा। अरे मारती दीदी क्या बोल दी अमन भाई ने। यहाँ पे हम लोग भूख बहुत जोर की लगी थी तो कुछ खाने के लिए आ गए। और ये देखो इसको पेज देखने का। ए चल चल अंदर एंट्री होने वाली है, चलो यहाँ सब सब खड़े रह के टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे लोग सब लोग खड़े हैं और यहाँ पे ये देखो, अरे बाप रे मुस्तजा आपने देख लिया, आ जाओ मम्मा आ जाओ। तो यहाँ पे मुस्तजा भी ऐसी जो रोने लगा है, अल्लाह नहीं नहीं खाएगा। चलो अभी इसको मम्मी को दे देते हैं और फिर चलो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। दरवाजा खुला रखना, खिड़की से आ जाएंगे, पीछे से घुसेंगे। पड़ेगा देखो यहाँ पे ये लोग सब लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। सही किया मामू, एकदम सही। हाँ तू उनके बीवी को परेशान कर रहा है, एकदम सही किया मामू। सही बोले मेरी आपकी बीवी को नहीं, मैं अपनी मुमानी को बोला, अपने हक से बोला हूँ मैंने, एकदम मेरी मुमानी है वो। मुझे बोल रहा है ये क्या, प्यार से प्यार से मैं वो तबेले का चम्मच हूँ। मेरा तबेला एक और जो दूसरा तबेला है वो तो यहाँ बैठा हुआ है। छोटा तबेला मम्मी को, मम्मी को बोल रहा है वो। मम्मी इधर आओ, हर जगह पे मेरे को बोलता है। देखो नहीं बोल रहा है वो तबेले का, नहीं ये निशान। दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो गई है, वो लोग स्टेज पे भी चढ़ गए हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी सबका फोटो सेशन चल रहा है। हम लोग ने फोटो खिंचवा लिए हैं, अभी बाकी सब फोटो खींच रहे हैं। दूल्हे के भाई भाई ये लोग सब लोग फोटो खींच रहे हैं। तो चलो अभी लोग से टेक पूछते हैं कि अभी इतने मतलब एक साल हो गया है निकाह को और अब शादी हो रही, तो कैसा लग रहा है? लग रहा है कि वहाँ पे तू देख रही है तो तेरे को तेरी शादी की याद आ रही है ना। मेरी मेरी मेमोरी पूरी ताज़ा हो गई, 15 दिन तो हुए शादी का है ना, 20-22 दिन। तो अभी ऐसा हो गया कि तेरी शादी का ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अभी तू खड़ी है ना, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है और एकदम इमोशनल फील। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत, मेरी भाभी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी भाभी है ही खूबसूरत गाइस, मेरा भाई भाभी दोनों खूबसूरत है होने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को भी देखने मिलेगा, हम लोग तो देख ही लिए हैं। और दापी पे बहुत प्यार आ रहे हैं, अच्छी लग रही है। नहीं नहीं अच्छी तो लगती है, हमेशा लगती है अच्छी, क्योंकि ना तेरी शादी याद आ गई ना, हम लोग बहुत रोए थे तो वो सब याद आ रहा है कि अल्लाह हम लोग कितना रोए थे वो दिन, और कंट्रोल ही नहीं। हल्दी के दिन रोए रोए सारे फंक्शन में उदापी के हम लोग रोए थे ना, उदापी बहुत रोना, इतना रोना है कि मेरी विदाई में मेरे को इतना रोना नहीं आया। नहीं तो इसका पूरा कोटा ना हल्दी में खत्म कर ली थी इसने, पूरा आंसू खाली कर दिए, उसके बाद आंसू जमा ही नहीं हुआ है ना उदापी। हमारे दूल्हे राजा यहाँ पे आ गए है स्टेज से उतर के, कैसा लग रहा है? इतना मैं पहले निकाह हुआ और एक साल के बाद में शादी, नहीं तो तेरे को कैसा लग रहा है? फाइनली शादी होने जा रही है, वो क्या रहे? इतना सादा लुक दे रहा है, शर्म आ रही है। दूल्हे राजा बोल रहे शर्म आ रही है, इनकी शादी हो चुकी है गाइस, आप लोग ने जैसे कि देख चुके हो। और यहाँ पे बोला मन शर्म आ रही है, देखो मैं शर्मा की चुआ मीटिंग चल रही है। चुआ मीटिंग नहीं चल रही, चुआ है हम लोग के पास, खिला रहे। मैं मेरा चुआ लेके घूमता हूँ। आरती दीदी देख लो आपको क्या बोल रहा है, देख लो अभी। नहीं अर्चरण भाई आपको आरती दीदी के साथ में ही जाने का है घर पे। अबे अरसलान भाई के साथ हो जाएगी, मेरे साथ आरती जाने वाली, उसको कितना डर रहना चाहिए ये बोलो। मौत का नजारा, आरती दीदी अभी दिखा दे, देख रहे हैं ना, उछाल उछाल ही लेकर आया भाई ये।
अरसलान भाई को आज पहुँचने की बहुत ज्यादा खाई थी ताकि लेट नहीं हो जाए हम लोग। और यहाँ दुल्हन की बहन बांध रही है तो मानी खड़े रह के ध्यान रख रहे और खाले भी खड़े रह के ध्यान रख रहे। तो यहाँ पे अभी दुल्हन की दूल्हा दुल्हन की रस्म होने जा रही है। यहाँ पे ये रस्म कर रही है। दादा गिलाना, दादा गिलाना, गुलू गिला, ये जो हम लोग बाजी में ये पूरा पूरा, अरे बज गया अपनी एक बारी। चलो ये खाला यार, अरे मुमानी यहाँ खड़े बार बार खाला बोल देती हूँ। ओहो फाइनली और अपने मुंह पे लगा दिया। हाथों में मेहंदी पे थाल सजा दिए हैं ये लोग ने। जेब में डाल कुल अमन को भी लग गई है उपकन, भाभी को भी लग गई उपकन। ये देख क्या बात है, 100 में भाई साहब बोल रहे हैं। उधर देना, उधर नहीं, मैं यहां दूंगा। यहाँ पे ये देखो दूल्हा दुल्हन को दोनों को मेहंदी लग चुकी है। फोटो ले लो, फोटो ले ले। और यहाँ पे मुमानी भी वीडियो बना ले ले। ये मेरी मम्मी खड़े रसम करने के लिए यहाँ पे। क्या तो मेरे पास छुट्टा नहीं है तो मैं स्कैनर से रसम करूँ, चलेगा क्या? चलेगा चलेगा, अपने का सब कुछ चलेगा, सब चलेगा। दुल्हन की दूल्हे की मम्मी रसम करने जा रहे है। मुमानी रसम कर रहे हैं, अंगूठी उठाए हैं, ये दुल्हन को अंगूठी पहनानी है। ये मम्मी पहना रहे हैं, अरे ये मुझे पहनाना चाहिए था। क्या हो रहा है, पहनाना चाहिए था। हाँ तो रहने देना, मुमानी पहना रहे तो बड़ी घाई है भाई। ये रसम भी चालू हो गई। और जो भी क्या अब खिलाएंगे मुमानी मिठाई। ये देखो अमन का मुंह ललचा रहा है। अमन देखो भी खाने का, रुक जा रुक जा, देखो भी खिलाएंगे। भाई को सबर नहीं हो रहा है मिठाई खाने के लिए। और पैसे बारे जा रहे हैं अभी। अभी दुल्हन की मम्मी दूल्हे की रस्म कर। ओहो अमन देखो अभी दुल्हन की दूल्हे की मम्मी ही दूल्हे को रसम कर रही है। स्टार्ट रखनी तू अपने हाथ से ले, बोल ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अम्मा तू ले, मतलब तू अपना पर्सपेक्टिव बता। तो हो गई है यहाँ पे रसम। दुल्हन दूल्हे की बहन ने दुपट्टा रख दी है सर पे, दुपट्टा रख दिए सर पे ताकि पे हमारे दूल्हा दुल्हन दोनों की रस्म आधे लोगों ने कर लिए हैं और आधे लोग बाकी हैं करने के लिए। आ जाओ अभी कौन आ रहा है? अरे खाला मुमानी आ रहे। बार बार मुमानी को मैं खाला बोल देती हूँ। ये मुमानी भी रस्म कर रहे। मुमानी पूरा खिलाना। अरे मुंह पे नहीं लगाता है ये। मम्मी आप कब करेंगे? मुमानी आप करें। नहीं आप मम्मी कर लिए, मम्मी कर लिए अपने घर वालों को। मुमानी बाकी का चिल्लर मेरे को दे दो। आंटी आंटी मेरे को सो गाइस यहाँ पे ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन की जब रस्म होती है तो जो साइड में खड़ा है तो उन लोगों के हाथ में पैसा देते हैं। अच्छा कंगना बधाई दे रहे हैं। इसके मैं बाजू में गलत है, मेरे को मिलना चाहिए। मैं भी बाजू में खड़ा हूँ। अच्छा ये भी बाजू में खड़ा हूँ। हाथ में कंगना बांधी। यहाँ पे अभी मेरी मम्मी रस्म करने जा रहे हैं। आज तो मजे। शिफा शिफा तेरी तो नजर उतरी जा रही है ना, हर कोई तेरी नजर उतार है। सोच पैसे मजे, आज तो मजे। अभी मम्मी रस्म करने जा रहे हैं और सब लोग 50-50 देंगे। हम लोग में वो रस्म नहीं होती। तो यहाँ पे अभी मेरी बड़ी बहन भी रस्म कर रहे हैं। ओहो मुमानी पैसा मेरे हाथ में देना। उसको दे देना। यस सर, हाय सर, यस सर। आओ जोश हो गए। यहाँ पे आ गई है सना खान।
मुमाने आ गए। सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ। भाई किसी ने मिठाई नहीं खिलाया। दूल्हे के भाई रस्म करने जा रहे हैं। पहले मुंह मीठा दूल्हा और दुल्हन का। अमन भाई क्या है? कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है जन, जल्दी होने वाले तेरे साथ भी गाइस। दुआ है जल्दी हो। क्या करूंगी? हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे उदापी भी खड़ी है रसम करने के लिए। लेकिन भाई वो लगा रहे हैं, आप पैसे देने ना। हाँ पैसे, पैसे उतारना है, देना नहीं। भाई छीन देते, उतार के भी दे सकते हो। नजर क्या भी देना है, इधर भी दे रहा है। कैसा मामू और मुमानी खड़े हैं देखने के लिए। चलो चलो उदापी कर 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 कर। चलो फैन चालू करो, एसी चालू करो। तो यहाँ पे भी उदापी उदापी आ गई है। पूरा गिला यार, पूरा गिला। अच्छा उदापी रैम कर रही है थोड़ा सा, सबको हो गया हो गया हो गया। अरे नहीं दूल्हा दूल्हा ये पीछे भी खिला दे, भूख लग रही है। अरे रसम कर, रसम कर, रसम कर तू। चल जल्दी 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 लगा, स्टार्ट करूँ क्या? एक उंगली पे लगा, खराब हो जाएगा मेरी जल्दी। खाना कैसे खाएंगे? वो खा लेंगे, धो लगे लगे। हाँ तो मालूम है, हो गया हो गया, पैसा उतार। भाई कौन सी स्पीड में? भाई भाभी खाओ, भाभी दांत घस के रख दे रही थी, फटाफट खाओ। सबसे बड़ा बात दीदी ने ली थी, बड़ी भाई भूख ज्यादा लग रही है। भाई क्या फास्ट फास्ट कर रहा है भाई? ये दो भाई भाई जल्दी जल्दी गाइस, चलो दे ये सपोर्ट करो जल्दी। अरे इतनी स्पीड में क्यों कर रहे? ये उठाओ मत। अरे चलो चलो नेक्स्ट 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 कौन है? आज आगे चल जल्दी। हवा इतनी अच्छी आ रही है, मैं बच्चे नीचे जाऊं। अरे खाओ अरे यहाँ ये वाली, हाँ ये वाली जल्दी करना। तू कर रहे है, तू कर रहे है जिशान भाई, फटाफट पैसे के चक्कर में मेरे सर से उठा दी। देखो भी नहीं, अभी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो यहाँ पर आ गया जाइड, जो गाइस यहाँ पे एफ अपी आ गई है अभी। चलो एफ अपी रसम करेगी, बहुत अच्छे। तो एफ अपी पहले क्या करते? अच्छा वो मिठाई कैसा खा रहे हैं देख। हाँ चलो फटाफट 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 चलो एफ अपी फुल स्पीड। चलो जल्दी जल्दी ओ ओ ओ हो गया, हो गया। रसम कर रहे हैं। यहाँ पे अरसलान भाई आए हैं रसम करने के लिए। फिर मिठाई खिलाया गया, हल्दी 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 लाओ। एक ही बात है
कैसा लगा रहे थे ना अभी पैसा आना सर पैसा दे दो अरे दोनों दोनों सब पे उठानी है भाई हाँ ये ये यहाँ पैसा रख के 100 रुपया इसको देना है 100 रुपया इसको देना पकड़ी गई यहाँ पे चलो अमन पैसा दे अमन को अब पैसा पड़ेगा देख तो अभी देखते हैं बिल सुन देख पैसा दे कर चले अबे दूल्हे को तुम लोग डैमेज मत कर देना कल ही शादी होगी ये छोटी उंगली पकड़ने से पैसा मिलता है क्या तुम लोग ने डरा क्यों नहीं है कोई मोए अरे छोड़ो तुम लोग इतनी मेहनत मत करो अरे लड़के की तो उंगली पकड़ी है लड़के की कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ये तो रसम है ये रसम है तेरे को पैसा तो देना ही पड़ेगा मेरे हाथ गंदे नोट कैसे पकड़ेगा हाथ गंदे नोट नहीं पकड़ सकते हम लोग पैसे की बहुत ज्यादा इज्जत करते हम लोग पैसा गंदा नहीं करना चाहते जिसकी सबसे ज्यादा आवाज निकल रही है ना उनकी बेटी बैठी है तभी इतनी आवाज निकल रही है इन लोग के साथ स्कैम हो गए कैश किसी के पास भी नहीं है किसी ने कैश लेकर ही नहीं आया सबके पास ऑनलाइन है अब दूल्हा देखते हैं कैसा यूपीआई पेमेंट करता है आप गंदे नहीं कर सकते यहाँ पे अभी निशान पे करने के लिए आया है लो लो खाना स्कैन दो खाना स्कैन दो अरे बिचारे का हाथ छोड़ दो 1 लाख रुपया मारना चाह रहे भाई कितना रुपया चाहिए 5,000 तू अपना वाला इधर आ अरे नाक पोछ ले नाक पोछ मार रहा मार रहा है निशान 5,000 रुपया अभी देखो ये सच होता है कि नहीं पहली मेरी होती है वो तो आप लोगों को डांस परफॉर्म डांस गाइस ये कंटिन्यू रहेगा गाइस ये कंटिन्यू रहेगा तो दूल्हा भी डांस करने वाला गाइस आप लोगों को मजा आएगी बहुत ज्यादा देखने में भाभी के लिए डांस सीखा है इसने उदापी बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो ही नहीं निकाली इसने तेरा आना वेस्ट हो गया उदापी दुल्हन के साथ फोटो भी उसी के काम है ना तो गाइस ब्लॉग यहीं पर एंड करते लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलें हिट द बेल आइकन ना भूलें।